प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संख्या प्रणाली, इंडियन नंबर सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी संख्या है उसको हम भारतीय संख्या प्रणाली में कैसे लिखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में कैसे लिखेंगे, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, मैंने एक टेबल बनाई है। इसमें सबसे ऊपर का जो खाना है, वंस या इकाई, थाउजेंड, हज़ार, लाख, करोड़ और अरब, ये वर्ग होता है, पीरियड्स बोलते इसे, इसे कहते हैं पीरियड्स। नीचे है प्लेस या स्थान। अब देखिए, जो इकाई है इसमें तीन स्थान आते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा ये इकाई वर्ग में आते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा इकाई वर्ग में आते हैं। हज़ार और दस हज़ार ये हज़ार वाले वर्ग में आते हैं। लाख और दस लाख ये लाख वाले वर्ग में आते हैं। करोड़ और दस करोड़ ये करोड़ वर्ग में आते हैं। अरब, दस अरब अरब वर्ग में आते हैं। इससे आगे भी संख्याएं आती है, मैंने अरब तक ही बनाया है। तो इकाई जो वर्ग है उसमें तीन भाग हो गए, इकाई, दहाई और सैकड़ा। हज़ार जो वर्ग है उसके दो भाग हो गए, हज़ार और दस हज़ार। लाख वर्ग के दो भाग, लाख, दस लाख, ऐसे ही करोड़, दस करोड़, अरब, दस अरब, खरब, दस खरब, और ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे मैंने एक संख्या लिखी है, इसके जो अंक हैं, अब देखिए इनको हम भारतीय संख्या प्रणाली में मानक के अनुसार किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। मानकानुसार का मतलब है, देखिए सबसे पहले हम दाएं से बाएं ओर कॉमा इंडिकेट करते हैं, इसमें कॉमा लगाएंगे। किस हिसाब से भारतीय संख्या प्रणाली में ये कॉमास का यूज़ होता है और किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में इस कॉमास का यूज़ होता है। तो जब हम दाएं से बाएं ओर चलते हैं तो पहले हम तीन अंकों के बाद, यहाँ पे 251 से पहले एक कॉमास का यूज़ होगा और इसके बाद प्रत्येक दो अंक के बाद कॉमास का यूज़ होगा। यहाँ पे 98 से पहले, 78 से पहले, 52 से पहले। अब देखिए यहाँ पे फिर किस प्रकार से इसको टेबल में लिखेंगे। यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दस हज़ार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, दस अरब। अब दस अरब यहाँ पे देखिए 26 आ रहा है आपके दस अरब वाले कॉलम में। तो दस मीन्स दहाई, दो अंक, तो यहाँ पे दो और छः, 26, तो ये 26 अरब हो गया। फिर करोड़, करोड़ वाले डिजिट पे देखो 52 आ रहा है, 52, 10 करोड़। तो दहाई पे 5 है और इकाई पे 2 है, तो ये हो जाएगा 52 करोड़। ऐसे ही लाख और 10 लाख, 78 आ रहे हैं यहाँ पे, तो 78 में 7 10 लाख वाले कॉलम में आ जाएगा और 8 78। इसी प्रकार हज़ार वाले वर्ग में चलते हैं, हज़ार, दस हज़ार, तो यहाँ पे भी 98, तो 9 और 8 98। अब 251, 251 दो सैकड़ा है, 5 दहाई है और 1 इकाई है। तो इस प्रकार से भारतीय संख्या प्रणाली में कोई भी संख्या है उसका निर्धारण किया जाता है मानकानुसार, उसके कॉमास का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है। ऐसे ही एक दूसरी संख्या दी है नीचे, यहाँ पे इसको हम इस टेबल में कैसे एडजस्ट करेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे। तो जो मैंने रूल्स बताए इसका, कॉमास दाएं से पहले तीन अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे कॉमा लगेगा। फिर हज़ार, दस हज़ार, यहाँ पे कॉमा लगेगा। आगे एक अंक और होना था लेकिन नहीं है, तो कॉमा अपनी ही जगह पर आएगा दो अंक के बाद। अब इस संख्या को इस टेबल में लिखना है, तो चलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दस हज़ार, लाख। अब यहाँ पे देखिए लाख वाले टेबल पे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास केवल एक लाख आ रहा है, दस लाख नहीं, तो लाख ये इकाई में आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास एक लाख। फिर इसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दस हज़ार,
10,000, 46,000, 10,000, तो ये आ जाएगा 4 and 6। उसके बाद फिर इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में 7 आ रहा है, दहाई में 8 और 8, तो ये हो गया आपका, ये हो गया 146,788, 146,788। इसके बाद तीसरा नंबर है, इसको भी किस प्रकार से इस टेबल में लिखेंगे, 1s, 10s, 100 कॉमा आ जाएगा, 1000, 10,000 कॉमा लैक एंड 10 लैक, तो ये आया, एक कॉमा आया 43 के बाद, एक 68 के बाद और एक 258। भारतीय संख्या प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में एक चीज़ कॉमन होती है, वो होता है जो पहला कॉमा होता है वो 3 अंक के बाद आता है दोनों में, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में भी और भारतीय प्रणाली में भी। और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 3-3 का कॉमा आता है और बाद में सैकड़ा के बाद भारतीय प्रणाली में 2-2 का पेयर बनता है। तो चलिए इसको भी हम एडजस्ट करते हैं टेबल में, इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो कितना है, 43 लाख, 43,68,000, 6 and 8, 258। इसी प्रकार जो अगली संख्या है, ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, करोड़ वाला कॉलम कौन सा है, ये है, ये हो जाएगा 96, 10 करोड़ आ रहा है, मीन्स डबल डिजिट, तो देखिए 96 करोड़ हो जाएगा और 78 लाख हो जाएगा, 22,509। इसी प्रकार जो लास्ट नंबर है यहाँ पे, इस पर पहले कॉमास का यूज कीजिए, तो ये हो जाएगा। अब एक बात और, जब किसी भी संख्या को भारतीय संख्या प्रणाली या अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के हिसाब से लिखते हैं तो कभी भी हम 0 करोड़, 0 लाख, 0 हज़ार नहीं लिखेंगे। 0 करोड़, 0 लाख, 0 हज़ार जहाँ पे जो प्लेस जीरो है उसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए ये नंबर से, इसमें देखिए यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, तो यहाँ पे आ रहा है 1 अरब, 1 अरब, और उसके बाद क्या है, 1 अरब के बाद है 0, 0, मीन्स इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, करोड़ के दोनों कॉलम क्या हैं, 0 है, तो इसको 0 करोड़ नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। इसके बाद आ रहा है 20 लाख, 20 लाख, 50,000 और 735, 735। तो ये थी भारतीय संख्या प्रणाली। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली की। अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में देखिए जो इकाई के कॉलम हैं वो सेम होते हैं, इसमें भी ये वर्ग है, इकाई वर्ग, हज़ार वर्ग, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इससे आगे भी होते हैं, मैंने ट्रिलियन ही तक बताया है। अब देखिए जो इकाई है इसके भी 3 प्लेस होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो कि हमारी भारतीय संख्या पद्धति में भी एक समान है। यहाँ से परिवर्तन हो गया, भारतीय संख्या प्रणाली में 1,000 और 10,000 होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होता है, 1,000, 10,000 और 100,000, जहाँ पे हमारा लाख आता है भारतीय संख्या पद्धति में, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में क्या आता है, 100,000, 1,000, 10,000, 100,000। इसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन, इस प्रकार से ये चलता रहता आगे। अब कोई भी नंबर दे रखा है, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में किस प्रकार से लिखते हैं, तो चलिए देखते हैं। एक नंबर दे रखा है यहाँ पे बहुत बड़ा, इसे हमको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है। तो मैंने अभी आपको बताया
कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति और भारतीय संख्या पद्धति में जब हम मानक के हिसाब से किसी संख्या का निर्धारण करते हैं तो दाएं से आगे बढ़ने पे, बाएं ओर बढ़ने पे पहले 3 अंक के बाद कौमा आता है, जो कि भारतीय संख्या प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली दोनों में एक समान है। पहले में 3 के बाद, फिर इसमें 3 के बाद, तीन तीन का पेयर, फिर 3 का पेयर। जबकि हमारे भारतीय संख्या प्रणाली में क्या था, दो दो के बाद कॉमा का प्रयोग हो रहा था। दो के बाद पहले में तो 3 थे, सैकड़ा तक, सैकड़ा के बाद फिर 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब आता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीन तीन के बाद, तीन तीन अंकों के बाद कॉमा आएगा। तो चलिए लिखते हैं इस नंबर को, ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, और यहाँ पे क्या होगा, 10,000 के बाद 100,000, मीन्स ये हो जाएगा 817,000, 817,000। इसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, 359 मिलियन। उसके बाद क्या हो जाएगा, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, तो ये हो जाएगा 621 बिलियन, 621, 621, ये बिलियन में आ गया, 621 बिलियन। इसके बाद 359 मिलियन, 359, ये मिलियन में आ गया। उसके बाद 817,000, 817,000 और 517, 517, ठीक है। इस प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में किसी भी संख्या को निर्धारित करते हैं, लिखते हैं। ऐसा ही दूसरा नंबर दिया है, पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, फिर 3 डिजिट और यहाँ पे ओनली 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट हैं। तो चलिए ये हो जाएगा आपका वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 और 900,000, फिर मिलियन एंड 10 मिलियन, 78 मिलियन, 78 मिलियन, तो ये आ जाएगा 78 मिलियन। फिर 9,000, 56,000, ठीक है, 956,000, उसके बाद 0 और 75, ओनली 75। इसी प्रकार नेक्स्ट नंबर लिखेंगे, ये जो नंबर है कॉमास का निर्धारण कर दो, 3 डिजिट का पेयर बनेगा, ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000 और 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, तो 605, 605 मिलियन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 100 मिलियन पे क्या रहा, 6, ठीक है, 605, 605 मिलियन हो गया, ठीक है। उसके बाद 1,000, 1,000 वाला कॉलम आएगा, तो यहाँ पे सैकड़ा पे क्या है, 100,000 वाले प्लेस पे है 0, या 70,000 हो गया, ठीक है। और 258, 258, 258। इसी प्रकार नेक्स्ट नंबर हो जाएगा आपका, ये देखिए, 3 3 का पेयर बनाइए, 1 2 3, 1 2 3, तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, तो 124 बिलियन, 124 बिलियन हो गया। फिर 648 मिलियन हो गया, 457,000 हो गया और 937, 937। इसी प्रकार से लास्ट नंबर है जो, 3 का पेयर बनाओ, ये हो गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000
100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। तो 100 ट्रिलियन में ये हो गया 224 ट्रिलियन, 567 बिलियन, 891 मिलियन और 0, ये 25,000 हो गया और 645। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या का निर्धारण करते हैं। अब इनमें रिलेशन क्या होता है, क्या संबंध होता है भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या संबंध होता है? तो देखिए, 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, 10 मिलियन 1 करोड़ के बराबर होता है, 1 बिलियन 100 करोड़ या 1 अरब के बराबर होता है और 1 ट्रिलियन 10 खरब के बराबर होता है। 1 ट्रिलियन 10 खरब के बराबर होता है। तो ये पढ़ा आपने अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। इसके बाद भारतीय संख्या प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में ये कुछ अंक दिए हैं, ये इन अंकों को किस प्रकार से हम लिखेंगे शब्दों में, तो चलिए शुरू करते हैं। ये भारतीय संख्या प्रणाली के अंक हैं, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हो जाएगा 34 करोड़, फिर 7 लाख, 7 लाख, 15,000, 15,000, 125, 125। इस प्रकार से इन संख्याओं का नाम लिखेंगे। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में हम किस हिसाब से इनका नाम लिखेंगे, तो ये देखिए कॉमास, तीन तीन डिजिट के बाद। तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, लाख, सॉरी मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो ये हो जाएगा 266 बिलियन, 266 बिलियन, 495 मिलियन, 175,000, 279, 279। तो प्यारे छात्रों, बाकी ये नाम जो संख्याओं के नाम हैं, ये आपको होमवर्क है, गृह कार्य है, इसको आप सावधानीपूर्वक इसी प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार से मेरे द्वारा समझाया गया है। धन्यवाद।